अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सैयद बुखारी मिला। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो आज मैं बनाने लगी हूँ आम की चटनी। और आम की चटनी कैसे तैयार की जाती है मैं आपको आज के ब्लॉग में बताऊंगी। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो देख के अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर लें, शेयर करें और कमेंट भी में बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। चलिए तो हम स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले हम इमियों को पील ऑफ कर लेंगे। उसके बाद जी इस शेप में हमने पीसेस बनाने हैं इमली के। एक पैन में 2 से 3 गिलास हम पानी लेंगे। देन उसमें हमने जो इमियां पील ऑफ की भी थी वो सारी की सारी डाल देंगे और इसे बॉयल करने के लिए ठहरा देंगे। देखिए 10 मिनट के अंदर अंदर इतना अच्छा बॉयल आ गया है। इसको हम ठंडे पानी से गुजारेंगे। पैन में हम 1 कप पानी लेंगे। उसमें 1 कप हम चीनी डाल देंगे। नाइट फ्लेम पे हमने ठहरा दिया था। इसको हम चम्मच से करेंगे मिक्स। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका हम शुगर सिरप बना रहे हैं और इसमें हम जी वो उबली हुई जो हमारी इमलियाँ हैं वो डाल देंगे। अब इसमें हम मसाला ज़्यादा लेंगे। 1 चम्मच हमने लिया है नमक और नमक हम इसमें डालेंगे। मसाला हम इसमें डालने लगे हैं। चटनी हम बड़ी मज़ेदार किस्म की बना रहे हैं, क्या याद करेंगे, एक दफ़ा आप ट्राई करें। इसमें हमने 1 चम्मच हमने मिर्ची डाली है और 1/2 चम्मच हमने इसमें हल्दी डाल दी है और 1/2 चम्मच हम इसमें गर्म मसाला डाल रहे हैं। बस इतने से मसाले हैं, इतने से मसालों में इतनी मज़ेदार चटनी बनने वाली है। आप ये ज़रूर ट्राई करें, आप याद रखेंगे कि क्या हमें रेसिपी मिली है। अगर आपको खट्टा मीठा पसंद है तो आप इसमें 2 चम्मच विनीगर ऐड कर सकते हैं, इनके सिरका ऐड कर सकते हैं। अपनी रेसिपी को कुछ अर्सा सेव करने के लिए, 1 महीना सेव करने के लिए इसमें आप सिरका लाजमी ऐड करें। और देखिए जी हमारी ये रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है। बॉयल आने के बाद ये शेप है और सर्विंग बाउल में हमने इसे डाल दिए है। उम्मीद है जी आपको आज की रेसिपी आप बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। कमेंट में लाजमी बताइएगा। 8 hours later बच्चों की फरमाइश पे फ्राइज बनाने लगी हूँ और मैं खाने जा रही हूँ पिज्ज़ा। बाय बाय।